नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी इंडिया। देश में लॉकडाउन जारी है, ऐसे में लोगों को परेशानी न हो इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के डॉक्टर फरीद अहमद सल्फी द्वारा ग्राम पंचायत भीटपीरा में रह रहे गरीब असहाय परिवार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, ग्लव्स व भोजन वितरित किया गया। ऐसा है कि ये हम तमाम भाइयों को, पांचों भाइयों को, हम लोगों को अपने पिताजी से विरासत में मिली थी। हमारे पिताजी भी इसी तरह से लोगों की असहाय और मजबूर लोगों की सहायता किया करते थे। वो हमारे बीच में नहीं है, ये हम लोगों के लिए दिक्कत की घड़ी है, लेकिन उनके विचार हैं, हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उनके विचारों को और उनके बताए हुए तरीकों पर हम पाँचों भाई चल रहे हैं और अपनी कमाई में से कोशिश ये करते हैं कि हमारा कोई मजबूर भाई, कोई गरीब भाई, कोई असहाय और कोई ऐसा मजबूर ना सोने, भूखा सोने पाए। इस मिशन को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। आज आप और आपकी टीम ने मिलकर आज लोगों में क्या कौन सी चीज़ वितरण की है? आज हमारी पूरी टीम में, जिसमें माजिद नदवी साहब हैं, मोहम्मद फैसल साहब हैं, हमारे पाँचों भाई हैं और हमारे बहुत बड़े सहयोगी जो हैं, सब मिल करके हम लोगों ने 500 लोगों को सैनिटाइजर और ग्लव्स, मास्क और इसी तरह से साबुन, फिर 500 लोगों को खाने के लिए भोजन तैयार करवा रहे हैं। अभी गाड़ी आएगी, उस पर हम लोग रखेंगे, निकलेंगे और जो एक्चुअली जेन्युइन वो गरीब है, मजबूर है, उसकी सहायता हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं? ये हम गाड़ी पे रखते हैं, खुद चलते हैं और जा करके वहाँ लोगों से पूछते हैं कि हकीकत में कौन मजबूर है, कौन गरीब है, और वही मुझको जो वास्तविक रूप से गरीब मिलता है, मजबूर मिलता है, उसी को हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं और पहुँचा भी रहे हैं।